और हमने अभी हाल में सर्वेक्षण किया है, इसमें हमने इसके लिए निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र बाकी कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी करा दें, और उन्हीं कब्रिस्तानों में से एक तो प्राथमिकता डीएम और एसपी निर्धारित करते, लेकिन जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधायक को, विधान पार्षद को यह अधिकृत किया गया है कि वो चाहें तो उसके अंतर्गत करा सकते हैं उसकी घेराबंदी, लेकिन उस कब्रिस्तान का उस सूची में शामिल होना जरूरी है 8064 में, उसके अलावे वाली बात नहीं। पहले इतने कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो जाए और उसका जो सर्वेक्षण हुआ है वो हर नहीं, ये गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। 8064 कब्रिस्तान, अभी गलत सूची है, ये कब का सूची है, ये 6 से है, अगर गलत है तो इसके बारे में तो आप लोगों ने कोई बात नहीं बताई है। कितने साल से ही चल रहा है ये, 12 साल से चल रहा है और उसकी घेराबंदी हो रही है, और डीएम और एसपी को अधिकृत किया गया है कि अपने जिले में वो प्रायोरिटी तय करेंगे और उसके लिए फंड का एलोकेशन होता है, बजट से फंड का एलोकेशन है, वो किया जा रहा है। और मैंने कहा कि अभी जितने कब्रिस्तान को चिन्हित किया जा चुका है उसका शीघ्रातिशीघ्र कब्रिस्तान के कार्य को पूरा करने का अभी निर्देश हमने पुनः एक समीक्षा बैठक में हाल ही में दिया, यह बात हमने कही है। लेकिन इसके अलावे और कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी चाहिए, इसके बारे में अगर आप लोगों का कोई विचार है तो इसको अलग से लिख करके देना चाहिए, उसके बारे में 8064 के बाद सोचा जा सकता है। 466 महोदय, ये कब्रिस्तान ये दरगाह ही नहीं है, ये कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के मध्य में दरगाह है, और उस दरगाह पर जाने के लिए वो कब्रिस्तान होकर के ही गुजरना पड़ता, उसी क्षेत्र में वो दरगाह भी है। तो आपके दरगाह कब्रिस्तान दोनों आपने लिखा है जी, और कब्रिस्तान तो मानते हुए सरकार ने कब्रिस्तान का अगर घेराबंदी हो जाता है तो दरगाह तो बीच में घेरा आ ही जाएगा, इसलिए महोदय अगर वो सूची में नहीं है तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, इसकी जांच करवा करके इसको सूची में संबद्ध करा करके इसको इसका घेराबंदी करवा दिया। आपने तो कहा कि माननीय मंत्री जी जानते हैं इस मामले को, ये जानते हैं, करा लेंगे, जानते हैं, कटैया को जानते हैं, इस स्थल को जानते हैं, इसलिए क्या है नमतुल्ला जी, क्षेत्रीय विकास निधि से जो प्राथमिकता से उससे बाहर भी करने की अनुमति माननीय मुख्यमंत्री से दीजिए, ये तो है ही, आप कराएंगे ही, जो हम लोग ऐच्छिक कोशिश उससे अलग जो माननीय मंत्री जी 8000 का जो डाटा दिए हैं उसमें कितना कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ, कितना बाकी है, 75% लगभग हो गया है। दूसरा ये 466 श्री मोहम्मद नवाज आलम गृह विभाग, छोड़ दीजिए बोला जी, नवाज आलम गृह विभाग एक, इसके लिए कोई कमेटी नहीं है, ये जो कब्रिस्तान, एक मिनट बैठ जाइए, बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, पूरे बिहार में वैसे कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया जहां पर विवाद उत्पन्न होता है या विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, यानी ज्वाइंट पॉपुलेशन है, उस सब एरिया को ध्यान में रखते हुए उसको चिन्हित करके उसका चयन किया गया, और उसके बाद उसकी घेराबंदी की जिम्मेवारी डीएम और एसपी को दी गई, वही जिले में तय करते हैं कि इस कब्रिस्तान की घेराबंदी पहले करा देनी है, तो ये अधिकार उन्हीं को दिया गया, और अभी आपको बता दिया लगभग 75% की घेराबंदी हो चुकी है, और मैं पुनः बता रहा हूं जल्दी से जल्दी बाकी के घेराबंदी की बात हो जाए, एक बार एक काम हो जाए, जो विवादित स्थल रहे हैं या कुछ भी उस तरह की संभावना होती है ये हो जाए तो उसके बाद और भी कोई काम, और अभी नहीं हुआ है, मंदिरों के घेराबंदी के लिए भी नियम बनाया गया और उसमें भी सरकार करती है, और वो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधायकों को, विधान पार्षदों को भी वो अधिकृत किया गया कि वो चाहें तो अपने फंड से करा सकते हैं, उसको भी चयनित किया गया है। तो इस तरह से पहले एक बार तो ऐसे कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो जाएगी। अभी ये कोई और बात बता रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी अगर इनके पास और है तो और दे देंगे, जानकारी ली जाएगी ये क्या बता रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है जिसमें दोनों तरह के पॉपुलेशन है, क्या है उस तरह के कब्रिस्तान को इसमें चयनित किया गया है नहीं किया गया है, इस सारे मामले को दिखवा लिया जाएगा।